हर एक व्यक्ति के पास इंटरनेट की पहुंच है, हर एक व्यक्ति के पास वो सोर्स उपलब्ध है। जैसे हम सबके हाथ में मोबाइल फोन है, हम सब वो सभी चीजें इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं जो कभी हम सोचा करते थे। कुछ भी आज हम चाहें तो हमारे डोर स्टेप लेवल पे, हमारे कदमों में दुनिया है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो चाहे वो ड्रग्स। मैं योंग गांव में जब लेक्चर लेने गया माध्यमिक विद्यालय तो मैं छोटे बच्चे पढ़ते, तो मैं फोर्थ क्लास का स्टूडेंट, उसका टीचर मेरे पास लेके आया उसको कि जनाब ये ड्रग्स लेता है, ये स्मैक लेता है। और इस घटना ने मुझे इतना भीतर घात दिया कि मैंने उस दिन से ही ये प्रण ले लिया, ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने समाज को बचाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, ये सब तो आपने सुने ही है, लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में ओल्ड ड्रग्स भी एंटर कर गए हैं, जैसे अफीम, भुक्की, डोडा, स्मैक, हीरोइन, केटामाइन, स्पीडबोल, गांजा, चरस। जब जेल में मेरी ड्यूटी लगती है ना, जो जेल के कैदी हैं, उसमें तकरीबन 20-22 लोग हैं जो स्मैक रखने के जुर्म में या स्मैक लेने के जुर्म में या नशे के अंदर जब वो क्राइम कर देते हैं, मर्डर वगैरह, चोरी, गाड़ी उठाना, क्योंकि नशे के आदमी बड़े क्राइम में जल्दी पहुंचता है। चलिए मैं आपको वो स्टोरी किसी दिन और सुनाऊंगा, मेरी ड्यूटी है अभी आपने इस रूप में। तो नशा कैसे हमारे शरीर को खराब करता है, ये तो मैंने आपको बताया कि पदार्थ कौन कौन से हैं, नशे, नशा कैसे हमारे शरीर को अपनी जद में लेता है। दो अंग्रेजी के शब्द हैं, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब नशा आपके शरीर को निर्भर बना देता है, और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस नशा दिमागी रूप से अपने आप को निर्भर बना, यानी जब व्यक्ति को नशे के ये पदार्थ नहीं मिलते हैं तब उसका शरीर ऐसी प्रतिक्रियाएं देने लगता है, कांपने लगता है, उसको उल्टी रहने लगती है, पेट में परोड़ होती है। ये है साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस के सिम्टम्स, लक्षण। और जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के सिम्टम्स है, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, आँख पे एक्शन हो जाना, कांपने लगना, अजीब आवाजें सुनाई देना, यही तो कारण है कि हमारी लत छूटती नहीं है। नशे, एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, उसको थोड़े देर के लिए सिगरेट ना मिले दिनों के लिए, बोलते हैं ना तलब उठने लगी है, वो तलब यही है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, शारीरिक निर्भरता और मानसिक निर्भरता। नशा शुरू कैसे होता है, उसका मैंने एक कारण तो आपको बताया कि प्रोफेशनल प्रेशर, हमारे काम काज का वातावरण, दूसरा पारिवारिक परिस्थिति। अगर आपके घर में कोई गृह कलेश शुरू हो गया, आपकी अपनी वाइफ से नहीं बनती, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, या आपको समाज में वो वैल्यू नहीं मिल पाई है। मैं नहीं मानता कि एक ट्रक ड्राइवर को कोई खास वैल्यू देते हैं समाज वाले, ये फैक्ट है। सड़क पर या फिर कहीं और हमें ऐसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है जहाँ पर हमारे साथ तिरस्कार की भावना से लोग बात करते हैं। जैसे आपको कोई गलत तरीके से ओवरटेक कर गया या सामने से कोई गलत तरीके से आ गया, तो धीरे धीरे वो जो आपका बिहेवियर है ना, वो आपका व्यवहार बनने लगता है, आपका मन, वो साइकोलॉजी वैसे ही बन जाती है। ऐसा होता है ना कि कभी कोई ओवरटेक हो जाता है तो धीरे धीरे आप गालियां भी देते हैं उसको, होता है ना, वो व्यवहार बन जाता है आपका, वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उसको आप निकालने के लिए ड्रग्स की तरफ जाते हैं। दूसरा, ईजी अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्ध ड्रग्स, मैंने आपको बताया। और इसके लिए मुझसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप ड्रग्स पे लेक्चर तो देते हो लेकिन ड्रग्स तो बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इसे क्यों नहीं रोकते हो? ये प्रशासन के दूसरे विभाग का काम। मैं जिस विभाग में कार्यरत हूँ उसकी दो डायरेक्शन हैं, दो दिशाएं हैं। एक तो वो कि मैं आपको ड्रग्स लेने से पहले उनसे बचने के उपाय बता सकता हूँ, और तीसरा वो कि आपको ड्रग्स लेने के बाद जो लक्षण दिख रहे हैं उनसे बचाने का इलाज कर सकता है। जो बीच का जो फासला है पहले और तीसरे नंबर का, यानी दूसरे नंबर, वो पुलिस महकमे का या और एडमिनिस्ट्रेटिव आधिकारिक विभागों का काम है, और मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा हूं, मुझे मालूम है। नशे में जाने के और कौन से कारण है? पैसे की तंगी, ये नशे में जाने के कारण भी हैं, और नशे के कारण पैदा होने वाली समस्या भी।
के पास अभी आपने बताया कि अंडर पेड है हम, तो अंडर पेड है तो आप डेफिनेटली डिप्रेशन में जाए, तो नशे की तरफ जाए। दूसरा, अगर पहले ही कोई अच्छी तनख्वाह ले रहा है, मेरे पास एक ओला कैब का ड्राइवर आया था, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, वो 3 ओला कैब चलती हैं उसकी चंडीगढ़ में। वो कहता है सर मुझे इस नशे से निकालिए। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, सारा पैसा इसी में लग गया, डेली 1.5 हज़ार रुपये की स्मैक पीता हूँ मैं, कहाँ से अपने बच्चों को पालूंगा, कहाँ से अपनी पारिवारिक स्थिति जो डामाडोल होने लगी है उसे कैसे संभालूंगा। और क्या इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट ये है, साइकोलॉजिकल डिफेंड तो आप हो ही गए, आपका दिमाग नशे की जद में आ गया, आपका शरीर नशे की जद में आ गया, आपकी धीरे धीरे पर्सनल प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ वो खराब रहे। कौन चलेगा आज की एक नशेड़ी के पास बैठ, अगर आपको ही पता लग जाए कि आपके बराबर वाला जो है हीरोइन के नशे करता है या वो नशे के इंजेक्शन लेता है, तो भले ही आप ऊपर से हाई हेलो करें लेकिन अंदर से तो आप ओरिजिनल नशेड़ी है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सोशल आइसोलेशन, सामाजिक बहिष्कार ऐसे व्यक्ति के होंगे, तभी तो आपने देखा होगा कि नशेड़ी लोग ग्रुप बना के बैठे रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो सारे ही सोसाइटी से बाहर कर दिए गए हैं। आपने कोई ऐसा देखा है कि दफ्तर में बैठा हो या मैं हूँ अपना कुर्सी पे बैठ के स्नैक पी रहा हूँ, समाज मुझे बाहर कर दे, मैं चौराहा ढूंढूंगा कोई स्नैक। उसके बाद फैमिली लाइफ खराब, प्रोफेशनल लाइफ खराब, पर्सनल लाइफ खराब, पैसे का नुकसान, उसके बाद क्राइम, नशे के कारण ही सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। 302 की धारा के तहत जेल में बंद कैदी से मेरा एक साधारण सा सवाल था, क्या किया है आप? उसने कहा मैंने अपनी वाइफ का मर्डर किया। मैंने कहा क्यों? मैं होश में नहीं था, मैं शराब के नशे में था। उस नशे के 5 मिनट के अवरोध अंतर विरोध ने उसको जेल की सलाखों के पीछे 20 साल के लिए धकेल दिया। मैंने उससे पूछा आपको कैसा लग रहा है? उसने कहा मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। शराब तो छूटी गई उसकी, जेल में तो शराब मिलती नहीं। फैमिली लाइफ खराब, प्रोफेशनल लाइफ खराब, पर्सनल लाइफ खराब, 2 बच्चे हैं उनका कुछ अता पता नहीं है वो कहाँ। उसके बाद आपके बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आज आप सभी के बाल बच्चे हैं, सभी मैरिड हैं, घर में कोई भी व्यक्ति अगर बुरी आदत का शिकार हो, अपने बच्चों की सीधी संगति आप हैं। मेरी संगति मेरे दोस्त बाद में हैं, पहले मेरे घर के व्यक्ति मेरी संगति, उनकी पहले 5 या 7 साल बच्चा या कोई भी बालक बालिका घर वालों के सानिध्य में रहती है, उनके साथ रहती है या उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, तो जैसा उसके घर वाले करेंगे उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होके तो आपसे छोटे भी नशे करने लगे हैं? कौन चाहता है आप में से कि आपके बच्चे नशे करें? कोई भी नहीं, कोई चाहता है? अब नशे से बचने के ऊपर, पहली बात, हर तरह के अवसाद, विषाद, एंजाइटी, घबराहट, टेंशन का विकल्प नशा नहीं है। अगर आपको लगता है आपको किसी तरह की मानसिक पीड़ा है, मानसिक प्रॉब्लम है, हमारे पास आइए, सरकारी अस्पताल में साइकेट्रिस्ट है, हम सॉल्व करेंगे, मुफ्त में सॉल्व करेंगे, आपको नशे की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, संगति, जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे ही बनोगे। मेरी पोस्टिंग अगर सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में कर दी जाए तो मैं वहां की आदतें सीखूंगा, जाहिर सी बात है, सारा दिन अफसरों के बीच में बैठूंगा, अफसरों के बीच में रहूंगा, उनके साथ काम हो गया, उनकी कुछ तो आदतें सीखूंगा ही। तो वैसे ही नशेड़ियों से दूर रहें, बल्कि ऐसे लोगों को आप सिखाएं भी कि नशा नहीं करना चाहिए, नशे से बचिए। तो उसके बाद अगर आपको कोई नशेड़ी दिखता है या आप खुद भी नशे के मरीज हैं, तो सरकारी अस्पताल में, कैथल में तो है, हरियाणा के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है, जहां पर नशे के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट, उनका दाखिला, उनका परामर्श, उनको रहने खाने की सुविधा पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है, और कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है जो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों में होती है। मोटे पैसे वसूले जाते हैं, साथ में मारा भी जाता है,
मेरी भी ड्यूटी है, मैं संस्कृति केंद्र में जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या। और अंत में यही कहूंगा कि नशे के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ जागरूकता ही है, क्योंकि समय पर समझना, समय पर समझना ही एक बेहतर इलाज है, बजाय कि सब कुछ खत्म होने के बाद उस स्थिति को संभाला जाए। कितने लोग एग्री करते होंगे? तो ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों को, व्याख्यान नशा मुक्ति पर, नशे के प्रति जागरूकता पर था। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी सवाल है, पूछ। आज के टाइम में जब जैसे गुटखा पीते हैं ना, उसका इतना बड़ा क्रेज चले हुए, छोटे छोटे बच्चे भी गांव में, पहले तो बड़े बुजुर्ग पीते थे, खान पान में भी फर्क होता था। आजकल हर तो बियर बार में, डांस बार में, सभी जगह में गुटखे को कभी पिकनिक में नहीं जाते हैं ना, गाड़ी में साथ में लेके जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। दरअसल क्या है, ये हर एक ही सामाजिक जो हमारा ढांचा है उसका जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। जिस टाइम में हम बच्चे हुआ करते थे, या अभी कुछ 10-15 साल पहले, उक्के को बहुत ही, मैं कहता हूँ कि पिछड़ा हुआ नशे का प्रतीक माना जाता था, कि उक्का तो बूढ़े लोग पीते हैं। लेकिन कंपनीज, लेकिन क्रेज, लेकिन नशे की तरफ झुकाव करना, इसको लेकर क्या शुरू किया गया, ओके को स्टेटस सिंबल बनाया। आज मैं कह रहा हूँ कि जो आपने सॉन्ग सुना हुआ खिलाड़ी का, सोचा फिर मैं आपके सवाल पे जवाब दूँ, ओका बार 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 ओका बार, तो व्हाट इज दिस, दैट मींस यू आर प्रमोटिंग एडिक्शन। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ओका बार में आइए, ओका पीजिए, अच्छी चीज है ये। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स तो अपने स्तर की ही बनाई हुई हैं। प्रत्येक शादियों में मैं जाता हूं तो उसके ही स्टाल लगी हुई है। व्हाट इज दिस, व्हाट यू वांट टू से। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बीड़ी सिगरेट के पैकेट पे आप ये लिखिए कि इसके सेवन से आपको लंग का कैंसर या फिर मुख का कैंसर हो सकता है, और दूसरी तरफ आप शादी में हो स्टॉल लगाने, दैट शुड बी बैन। खिलाफ और कोई सवाल, और पूछिए कुछ भी सवाल, पूछिए हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ भी पूछिए। हाँ, मानसिक रोग से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछिए। जो कभी कभार पिता साहब वो भी नशे में आता है। हाँ, इसका मैं आपको बताता हूँ। सी, देयर आर टू टाइप ऑफ ड्रिंकर्स। ये मैं ड्रिंकर्स के बारे में ज्यादा करता हूँ, क्योंकि ये सवाल शराब पीने वालों के लिए ही ज्यादा व्यावहारिकता रखता है, कि मैं कभी कभी ड्रिंक करता हूँ। स्मोकर्स तो आपको चेन स्मोकर ही मिलेंगे, या जो डेली के सिगरेट पीने वाले, वो आपको सिगरेट पीने वाले ऐसे नहीं मिलेंगे कि मैं 3 दिन बाद या हफ्ते बाद सिगरेट पीता हूँ। बट जो जिसने एक बार उस पदार्थ का सेवन कर लिया, वो कहीं ना कहीं कैटेगरी में आ जाता है, और क्रॉनिक एडिक्ट, इसे हम एक्यूट एडिक्शन और क्रॉनिक एडिक्शन बोलते हैं। एक्यूट एडिक्शन मीन्स कि अभी इसमें टेस्ट, आप उसके बारे में ज्यादा श्योर हो सकते हैं जिसने एक बार इन चीजों का सेवन कर लिया कि हाँ ये एक पोटेंशियल एडिक्ट बन सकता है। मैंने कभी ड्रिंक नहीं, तो मैं, मुझे मालूम है कि मेरा पोटेंशियल फॉर बिकमिंग एन एडिक्शन, एक नशेड़ी बनने का जो तत्वाधान है, जो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो काफी लंबी होगी। लेकिन अगर मैंने पहले ही टेस्ट करता है तो प्रक्रिया छोटी हो जाएगी, मैं उसकी तरफ झुकाव होने में मेरे को ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूछिए, बहुत अच्छा लगा आपने। जैसे बाप के साथ बच्चे को चिड़ापन, गुस्सा आना, उसका क्या जाना? बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने, क्योंकि प्लीज चुप हो जाइए, ध्यान से सुनिए, आप सिर्फ सुनिए। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए, नहीं सुनना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप बाहर जा सकते हैं, खूब हंसी मजाक कीजिए, कोई इशू नहीं। बच्चे में चिड़चिड़ापन होने के कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो जब उसके नए दांत आते हैं तब भी उसमें चिड़चिड़ापन, हल्का बुखार आना, या चेहरे पर लाली आना, या और तरह की उसको रैशेज जिसे कहते हैं कि कुंजियां जो रहते हैं ना, तो हो सकता है। दूसरा इसका कारण,
पहली बात तो मैं कहता हूँ कि मानसिक जो बीमारी है ना, उसका पहले हमें बेसिक पे विचार करना चाहिए कि मूलतः क्या कारण है। अगर कोई बच्चा चिड़चिड़ा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको कोई मानसिक बीमारी, ये एक नॉर्मल प्रोसेस भी हो सकती है, टेम्परेरी प्रोसेस। अब जैसे ये है, इसको मैं डेली किसी बात पर डांट दूँ तो कुछ टाइम बाद के लिए चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसा वेद होना ही, ये इसको भी मानसिक रोग होगा, थोड़े दिन मैनेज कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये परमानेंट हो गया कि हाँ ये तो चिड़चिड़ा ही रहता है 24 घंटे, इसको तो कुछ भी कह दो चिड़ा ही रहता है, दैट इज ए मेंटल प्रॉब्लम। तो बच्चे में अगर ये लक्षण ज़्यादा दिन तक हैं, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, जब तक उसके दैनिक जीवन के कार्यों पर असर नहीं पड़ रहा है, तब तक उन लक्षणों को ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि और क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को ढूंढना चाहिए कि क्यों चिड़चिड़ा है, क्या इसके पोषक तत्वों में कमी है, क्या इसको कोई और प्रॉब्लम है जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, अगला सवाल। जैसे कि प्रॉब्लम हो गई जिगर में और वो दिमाग की टेंशन है, जो दिमाग से नहीं निकल रही, मन शांत है, वो रिलैक्स करने के लिए कोई उपाय बताओ। ये एक बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया, इसे कहते हैं हम किसी भी बात के बारे में ज्यादा सोचना, ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। ये कुछ समय तक के लिए तो ठीक है, सपोज कीजिए कि मैं आज आपने मुझे कुछ कह दिया कि भाई डॉक्टर साहब आपने तो बहुत गंदा लेक्चर दिया, तो मैं आज रात तक सोचता रहूंगा मुझे नींद नहीं आई कि भाई आज तो भाई मजा नहीं आया, भाई लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया, तो टेम्परेरी। लेकिन अगर मैं उसको लेकर सोचता ही रहूं, मुझे नींद आनी बंद हो गई, ज्यादा नींद आनी शुरू हो गई, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ गया, इसे कहते हैं क्रॉनिक डिप्रेशन एंड शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, बहुत थोड़े समय के लिए, उसमें हम सब आ जाते हैं, जैसे बच्चा फेल हो गया कुछ टाइम के लिए वो दुखी रहता है, लेकिन अगर वो दुख ज़्यादा लंबे समय तक रहता है वो मेजर डिप्रेशन में चला जाता है, और कई बार वो पागल में तब्दील हो, किसी को बोलते हैं ना इसको पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जैसे धक्का लग गया, अगर वो सबको ही लगता है तो कोई हमारा नियर एंड डियर सगा संबंधी अगर उसकी डेथ हो जाए, धक्का सभी को लगता है ना, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये तो सदमे से उभरा ही नहीं भाई, उसके बाद तो ये ऐसा ही है, बोलता ही नहीं कुछ, या इसके तो हाव हाव ही बदल गए, तो दैट इज अ डिफरेंट। पूछिए। हाँ, सबसे अच्छा जो प्रियंका जी ने बताया, प्रियंका मेरी कलीग हैं और काफ़ी अच्छा ये भी मेंटल हेल्थ पर बोलती हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, जैसे कि आपको कोई भी पीड़ा हो रही है, या आपको बोल रहा है कि घर में किसी तरह की परिस्थिति प्रतिकूल है, आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपको किसी ने बोल दिया है, उसे शेयर करने से भी मन हल्का होता है, सबसे आसान तरीका है, वो आपको कोई सोल्यूशन भी देगा, भाई ऐसे सॉल्व कर लेगा। मानसिक जो रोगी है वो इस वजह से ज़्यादा रहता है कि वो उसे सोचता रहता है, पचोड़ता रहता है, अपने मन के अंदर संकुचित कर लेता है, उसे इतना 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 कर देता है कि वो दिमाग के हिस्से पर हिट कर जाती है, इसलिए तो बोलते हैं ब्रेन हैमरेज हो जाता है, बोलते हैं ना यार थोड़े दिन पहले तो ठीक था, वहाँ से दिमाग की नस पड़ गई, प्रेशर ब्रेन प्रेशर कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक ये है कि रोज रात को सोने से पहले आप 10 या 15 लंबे सांस लें और लंबे सांस छोड़ें, ये रिलैक्सेशन टेक्निक। मैं योगा में जा ही नहीं रहा। सेकेंडली, हल्का म्यूजिक सुने, तेज धूम धड़ाके वाला नहीं, कान में ईयरफोन लगाइए, अपना ड्राइविंग करते हुए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जब आपको मौका मिले कि आप नींद की तरफ जाने वाले हैं उसमें आप हल्का म्यूजिक सुने, बहुत रिलैक्स मिलता है। और अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं तो अपने उसमें जो म्यूजिक सिस्टम है उनकी आवाज़ कम रखिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनने से घबराहट, एंग्जाइटी या और तरह के तनाव पैदा होते हैं, तो अगर आप म्यूजिक चलाते नहीं हैं ट्रक चलाते हुए तो उसकी जो ध्वनि है उसके स्तर को कम रखिए। और तो फिर बहुत सारे टेक्निक्स हैं, योगा है और वो मैम आपको बताएंगे भी थोड़ी देर में, और भी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप मानसिक जो तनाव है उसे कम कर सकते हैं। हेलो, रात को रोते ग्राम भी निकल जाते हैं, अब रात को रोते मन जी ग्राम करने में अपने आते हैं। देखिए जो स्नेपर ने सवाल
हो सकता है जो जो तकलीफ इन्हें आ रही है वो आपको आ जाए। स्वास्थ्य किसी का निरंतरता में नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आप आज ठीक हैं तो आप हमेशा ठीक ही रहें, क्या पता आपको इनसे भी पूरी बीमारी हो जाए, भगवान ना करे। लेकिन शरीर नश्वर है, अंततः गीता ज्ञान यही है। तो कृपया उसकी हिम्मत को सलाम दीजिए, सवाल पूछने की हिम्मत तो नहीं। आधा समाज को हमने इसीलिए मानसिक तनाव में भेजा हुआ है, हम उसे बोलने नहीं देते, हम दबाते हैं, चाहे वो घर का कोई हमारा सदस्य हो, ऑफिस का सदस्य हो, यहाँ तक कि अपना बस वाला ड्राइवर हो, भी कंडक्टर को, मतलब ये हमारी आदत है सप्रेस करना। बोलते हैं ना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उनको बोलने दीजिए। बहुत सपने आने का रीजन ये होता है जो अब तक विज्ञान ने खोज की है, सपने इस वजह से आते हैं जो आपकी पूरी दैनिक दिनचर्या होती है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने, जो भी आपके जीवन में गति होता है, आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष तौर से या अप्रत्यक्ष तौर से, वो दिमाग में बैठ जाता है। और रात को जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग उसे एडिट करता है। एडिट मीन्स कि जो जानकारी जरूरी है उसे रखता है और जो जानकारी जरूरी नहीं है उसे बाहर रखे, और जो जानकारी बाहर रखे दी जाती है वो सपने के तौर पर आपको दिखती है। ये विज्ञान अंतर है। हाँ, तो क्या आपको किस तरह के सपने आने, नींद खुल भी जाती है? हाँ जी, खुली खुली भी आई समय, तो फिर आपको नींद दोबारा नहीं आती? हाँ जी, खुल भी आती। क्या 3 से 5 बजे में सपना आता है? हाँ जी, 3 बजे रात। वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारी नींद 4 चरणों में बटी हुई है। एक पहला चरण जब हल्की हल्की नींद आती है और दिमाग सोने की तरफ जाता है। सेकेंडली जब बहुत गहरी नींद होती है, जब हमें कुछ नहीं पता होता, कॉन्शियस यानी कि हमारा चेतन मस्तिष्क है वो भी सो रहा होता है, और अचेतन सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस वो भी सो रहा होता है। थर्ड होती है सपने वाली, रैपिड आई मूवमेंट, बहुत ही दूर की चीज़ें। फोर्थ होती है जब हम उस स्लीप के बाद दोबारा सो के फिर जाते हैं, तो वो हर एक को ही होता है। इसीलिए सपने ज़्यादातर आपने देखा होगा, आपको सपने आने का नींद हो जाती है 3 या 5 बजे के बीच में की, वो तो वो रैपिड आई मूवमेंट एक प्रोसेस होता है ना, नॉर्मल। अगला सवाल, 3-4 घंटे गाड़ी चलाते हैं ना तो इसमें गर्मी आती है, उससे हम पेशाब की दिक्कत आती है, कम आता है उसमें। आप पानी कितना पीते हैं? बस यही कोई ज़्यादा नहीं करता हूँ। ट्रक ड्राइवर सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है, ट्रक ड्राइवर डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। क्यों? आप लोग ट्रैवल करते हैं, पहली बात तो आपकी बॉडी वर्किंग में रहती है, ठीक है। सेकेंडली जो आपके ट्रक का जो टेम्परेचर है जिस वातावरण में आप बैठते हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हाई होता है, क्योंकि हीट जनरेट होती है उसकी, तो उससे बॉडी में पानी की कमी होती है। थर्डली आपके पास स्टॉपेजेस नहीं होते, आप रुकते नहीं हैं, आप पानी स्टोर पता नहीं कितना करते हैं, उसके बाद आप पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी किडनी फेल होने के चांसेस हैं। पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठंडा पानी पीजिए बिल्कुल नॉर्मल। जी अगला सवाल, बताओ क्या ये नॉर्मल है। और अगर आपको, हाँ अगर आपकी नींद पूरी, अगर आपको पूरे दिन कोई और तकलीफ नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, तो आप फिर आइए, आप हमारे विभाग में आइए। वो पता है, वो बॉडी जो है ना अपने आप को उस चीज में ढाल भी लेती है। क्या पता मैं आज 1 घंटा भी ड्राइविंग ना कर सकूं, लेकिन अगर मैं ड्राइवर ही हूँ, अगर मेरा प्रोफेशन ही वो हो गया, अब डॉक्टर है, क्या एक आम आदमी को बॉडी को चीर सकता है? नहीं चीर सकता, लेकिन डॉक्टर है, उसको आदत पड़ गई, वो ऐसे ही प्रोफेशनल तो फ्री तो ही है। हाँ, 24 घंटे तो कोई भी नहीं चलाते, 24 घंटे तो चलाने आपको जाऊँगा, मालिक को मनाने की जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप हमें मालिकों की क्लास के लिए रखो, मालिकों को बुला लो, मालिकों को अलग तरीके से समझा लो। अब मैं तो आपको बोल रहा हूँ प्रोफेशनल प्रेशर कि आप आपके लिए इसमें इसको बिलीव क्यों रखो, आप ड्राइवर साहब ऐसे होता है जैसे घर पे कब जाते हैं, आपके कोई रूल्स नहीं बने हुए कि कोई रूल्स नहीं बने हुए यहाँ तो अपने अपने रूल हैं। देखो आप बता क्या कर, एसओ में कार्ड नहीं चलाओ, आप सो के बाद गाड़ी नहीं चलाओ, एसओ नहीं
टाइम लेट होता है सर कि जैसे ही जाते हैं कई कई कंट्रीज में किलोमीटर पे डिसाइडेड है और कई कई कंट्रीज में टाइम पीरियड पे डिसाइडेड है। तो बड़े अभी आपने वहां जाके ऐसा कोई इसी रूट मिलेगा हमारा रेस्ट हाउस है वहां जाके आराम करना है अपने खाना पीना सोना है सुबह इतने बजे चलना है जैसे यहां पे टाइम भी ना कुछ होने का ना बैठने का ना खाने का। चलिए ये तो मैं प्रॉब्लम ही सॉल्व करता ये तो एक जो आप लिख के इसको हां हां लेख में तो मैं लिखूंगा लेख में तो मैं इसको बढ़ा चढ़ा के लिखूंगा मुझे फिट भी रहना है तो इसीलिए मुझे नींद प्रॉपर भी रखनी है या फिर तो दो ड्राइवर दीजिए कि हाँ अगर 12 घंटे अगर आपका ट्रक कहीं पे हिट करता है एक्सीडेंट होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है आपको कौन बोलता है कि आप गाड़ी ज्यादा चलाओ मालिक जबरदस्ती कर रहा है लेकिन उसमें से हमने भी देखा 60% ड्राइवर को भी लालच होता है। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट बस वाली है कि अपने हरियाणा रोडवेज अभी ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल पे क्यों गए ओवरटाइम बंद कर किसने दिया था गवर्नमेंट ने बोला था चलाओ ओवरटाइम के लिए हम जब तक खुद नहीं संभलते आपने मालिक को उंगली कर दी लेकिन 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर ली इसको कौन देखेगा आप मालिक मालिक ने बोला तेरे मेरी गाड़ी नुकसान का क्योंकि व्यापारी ने जो नाम देना वो मेरी जेब में जाएगा वो सब प्रोफेशनल और कोई सवाल आते हैं या फिनिश कर एक सवाल जी 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 तो सर जैसे ईएमएस है लड़के की भी उसकी 30 साल या 28 साल और वो शराब का बहुत ज्यादा आदी हो गया है शादी भी हो गई है 2 बच्चे हैं एक पत्ता है और उसको छोड़ नहीं रहा बिल्कुल दिन रात पीता है वो काम करता है काम करता है बस फ्री रहता है कितनी बड़ी तो आप वो इलाज देना चाहता है खुद या नहीं एक बार कोशिश की है कोई दवाई लेने की कोशिश भी करता है नहीं कोई छोड़ नहीं पाता उसमें दो तरह की दवाइयां होती हैं एक तो ये भी जिसमें हम डाइसल्फिराम देते हैं नो एडिक्शन जो ऐड आती है ना टीवी पर नशा बंद के नाम से आती है तो एक तो दो तरह की दवाइयां होती हैं सर इसमें एक तो नशा जिसमें की शराब पीता है आदमी उसको उल्टियाँ रखने लगते हैं डाइसल्फिराम बोलते हैं ना चुपके से खाने में मिला दो पीना बताए शराब पीनी शराब छुड़ाएं इस तरह और एक वो जिसमें शराबी खुद कहता है को हम मोटिवेट करते हैं खुद कहते हैं कि मुझे छोड़नी है उसे हम अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में दाखिल करते हैं उसके बाद उसे हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उसकी तलब कम हो तो आप ला सकते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है सरपंच नाम नहीं पहुँचना होगा वो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र से उसका नशा नहीं छूट रहा था हमारे यहाँ पे आया सरपंच साहब हमारे सारे स्टाफ के पैरों के हाथ लगा देगी तो आपसे लगेगा नशा छूट रहा है मेरी इज्जत तो बचाएगी मेरी औलाद भी बचाएगी तो है पॉसिबल है जब एक सही व्यक्ति नशेड़ी बन सकता है नशेड़ी व्यक्ति भी सही बन सकता है केवल हमें अपने फुल उसको एफर्ट दे जी अगला सवाल जल्दी मेरे को 3 बजे पहुंचना है आपसे मिलने के लिए कोई जगह हाँ मेरे से मिलने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं नशा मुक्ति केंद्र क्या पहली बात दूसरा सरकारी अस्पताल में दूसरी मंजिल पर 234 नंबर का मंजिल नई दीजिए बड़े सरकारी दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 234 यस मैं बस चलिए मैं फिनिश कर देता हूँ बहुत अच्छा लगा
द्वारा श्री अजय कुमार राणा जी द्वारा जो आपके निदेशक एंड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैथल के उनके एडीसी साहब के विचार विमर्श के बाद सरकारी